परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमें देखने का अवसर दिया। मलाकी भविष्यवाणी उसका तीसरा अध्याय और चौथा वचन। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए यहोवा को भावने वाली एक भेंट, इस विषय पर मनन करने के लिए हम एक साथ परमेश्वर पर शरणागत हों। सभी जाति और धर्म के लोग जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको वे भेंट या ऑफरिंग चढ़ाते हैं, परंतु सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, यह नाम वाले यहोवा को भेंट चढ़ाने वाले लोगों को यह जानना अति आवश्यक है कि प्रभु को भावने वाली भेंट अर्पण करने पर ही वह भेंट स्वीकार की जाएगी। हम क्या अर्पण करते हैं वह नहीं, बल्कि हम जो अर्पण करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न हो, यह महत्वपूर्ण है। जो वचन हमने पढ़ा उसके शब्दों पर जरा गौर कीजिए। तब उनकी भेंट यहोवा को भाएगी। हमें उत्तेजित करने वाला एक शब्द इस वाक्य में है तब, या फिर कब, किस रीति की भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी समय परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर को सुबह, रात, गर्मी, सर्दी, इस प्रकार की समय भिन्नता नहीं है। किस प्रकार की भेंट परमेश्वर को अर्पण करें, यह धन मात्र नहीं है। वह आपका ज्ञान हो सकता है, वह आपका समय हो सकता है, या फिर आपकी स्वतंत्रता हो सकती है, परंतु कैसे अर्पण करना है यह मुख्य बात है। परमेश्वर को भेंट पहले भी और अभी भी अर्पित किया जा रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं, पहले की भेंट मुझे भावती थी, परंतु आज अपने लोगों की भेंट से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। इसकी वजह क्या आप जानते हैं? जो वचन आज हमने पढ़ा उसके ऊपर का वचन, अर्थात मलाकी अध्याय 3 और उसका तीसरा वचन, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे, तब वो भेंट परमेश्वर को भाएगी, यही अगले वाक्य में बताया गया है। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किए गए और परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने वाले एक व्यक्ति की भेंट कुछ भी क्यों ना हो और किसी भी समय अर्पित की गई हो, सिर्फ वही परमेश्वर को भाएगी। तब हमें क्या जरूरी है? परमेश्वर की संगति में एक टूटा हुआ हृदय, एक दुखित हृदय, एक ऐसा अनुभव जहां पाप का आभास हो और क्षमा याचना कर रहे हों, एक शब्द में कहें तो परमेश्वर के साथ एक मन होने का अनुभव। परमेश्वर के साथ यदि एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है और परमेश्वर से अलग हैं, तो फिर हम कितना ही मधुर क्यों ना गाते हों, कितना ही अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना बजाते हों और अन्य प्रकार की सेवकाई क्यों ना करते हों, परंतु उसे कुछ भी प्रतिफल नहीं है। हमारे धर्म के कार्य सब परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। प्रभु यीशु के निष्कलंक लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके, प्रभु यीशु पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के अनुभव में हम जीवन भर अपने जीवन को एक भेंट के समान अर्पण करें। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन यदि हम पढ़ें तो ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, हम जो अर्पित करते हैं वह कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी समय क्यों ना हो, वह जीवित, पवित्र और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखते हुए मन परिवर्तित करके और मन को तैयार करके यदि अर्पित करते हैं, तो वह पहले दिनों के जैसे आज भी परमेश्वर को भाएगी और परमेश्वर से प्रसन्न होंगे। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए एक भेंट समान अर्पण करें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हम मिलके प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, पहले दिनों के भेंट आपको भावने वाली थी, तो आज हम अपने जीवन को आपके समक्ष समर्पण करते हैं। आज से शुद्ध कीजिए, निर्मल बनाइए, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से आज हमें धर्मी ठहराइए। इस अनुभव में हम
आपसे एक व्यक्तिगत संबंध रखते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारा जीवन आपको भावने वाली एक भेंट ठहरे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एबंडेंटली। हैव अ वेरी स्पेशल एंड ब्लेस्ड डे।